It is the area of interest of various researchers. Then what is the thing on which the genetic information is transferred from one generation to another generation? Later on, after fundamental and real research of several workers, it was discovered that it is DNA. DNA, which is the genetic material, and it is responsible for transformation of transfer of characters from one generation to another generation. And this DNA here stands for deoxyribonucleic acid. जब इसके पहले कि हम सारा एविडेंस गैदर करें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से, उन सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो है फ्रांसिस जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, दे वेयर क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इन 1953, उसके पहले तक क्या क्या इंफॉर्मेशन थी हमको ये देखना है. तो उसके पहले जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन थी वो ये थी कि जीन्स है कुछ, जो ये यहाँ लिखा हुआ है कि जीन्स जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल है, हेरिडिटरी फैक्टर है, और मेंडल ने कहा कि ये स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट इसका फिजिकल नेचर अभी तक अंडरस्टूड नहीं था. इट वॉज नॉट क्लियरली अंडरस्टूड द फिजिकल नेचर ऑफ द डीएनए. और क्या हमारे पास एविडेंस था? वन जीन वन एंजाइम थ्योरी. वन जीन वन एंजाइम थ्योरी क्या कहती है? कि एवरी जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ और सिंथेसिस ऑफ वन एंजाइम. एंड लेटर ऑन द एंजाइम वॉज क्रैक्ड एज अ प्रोटीन. तो ये दो चीज पता थी. तीसरी क्या थी? जीन्स वेयर नोन टू बी कैरीड ऑन द क्रोमोसोम. एक क्लासिकल बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट थी जिसके में ये था कि जीन्स जो है वो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, और क्रोमोसोम में डीएनए और प्रोटीन होता है. यही इंफॉर्मेशन थी बिफोर द डिस्कवरी ऑफ द वॉटसन एंड क्रिक. अब आगे देखते हैं आगे क्या है. अब जेनेटिक मटेरियल कोई चीज है, समथिंग विच इज जेनेटिक, इसका मतलब इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम. अगर हम किसी चीज को जेनेटिक कहते हैं तो सीधे सीधे उसका मतलब होता है कि फर्स्ट जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में उसका ट्रांसफर होना डेफिनेट है. अगर हम किसी को जेनेटिक मटेरियल कहते हैं तो सिर्फ ट्रांसफर होना नहीं है, इट इज ऑल्सो एबल टू एक्सप्रेस इट सेल्फ. जैसे कि आप एक्सप्रेस करते हैं कैपिटल टी से टॉलनेस है और स्मॉल टी से ड्वार्फनेस है. तो यानी कि वो जीन जो जेनेटिक मटेरियल है, इट मस्ट बी एबल टू एक्सप्रेस इट्स अफेक्ट और फंक्शनिंग ऑफ द ट्रेट्स. जेनेटिक मटेरियल किसी भी सेल और ऑर्गेनिज्म का उसको कहते हैं जो उसके न्यूक्लियस में है, माइटोकॉन्ड्रिया में है. क्योंकि ये सारी चीजें हर जनरेशन में सिंथेसाइज होती है, हर सेल में सिंथेसाइज होती है, एंड एक्चुअली दे आर आल्सो सेल्फ प्रोपेगेटिंग. यानी एक माइटोकॉन्ड्रिया से अगली जनरेशन में दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया बनता है, एक साइटोप्लाज्म से दूसरी जनरेशन में साइटोप्लाज्म बनता है, फिर गोल्जी एपरेटस से गोल्जी एपरेटस बनता है, फिर उसके बाद सेंट्रोसोम से सेंट्रोसोम बनता है. मतलब दे आर एबल टू सेल्फ प्रोपोगेट, वो अपने से मल्टीप्लाई और सेल्फ प्रोपोगेट कर सकते हैं. जेनेटिक मटेरियल के बारे में हमने क्यों सोचना शुरू किया? क्योंकि उसके पहले लोग सोचते थे कि क्यों हम अपने पेरेंट्स से सारे कैरेक्टर्स में रिजेंबल करते हैं. फिर उसके बाद कुछ क्यों ऐसी इनहेरिटेड डिजीजेस हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाती है, और कैरेक्टर कैसे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं? सिंपली इट इज ड्यू टू जेनेटिक मटेरियल. बट द रियल क्वेश्चन इज व्हाट इज द एक्चुअली फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ द वेयर दिस मटेरियल एग्जिस्ट एंड व्हाट इज दिस जेनेटिक मटेरियल एग्जिस्टिंग. इट वॉज नॉट क्लियर एग्जैक्टली ये क्या है. अगर कोई चीज जेनेटिक मटेरियल जिसको हम कहते हैं तो उसमें क्या क्या चीज होनी चाहिए? पहले तो उसका रेप्लीकेशन बहुत फाइडेलिटी के साथ होना चाहिए, वो एक हाईली प्रेसिशन के साथ उसका इनहेरिटेंस होना चाहिए. जैसे साइटोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म बने, माइटोकॉन्ड्रिया से माइटोकॉन्ड्रिया बने, और डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल से डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल, इट मस्ट बी विथ हाई डिग्री ऑफ प्रेसिशन. उसके बाद वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके इन द डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर और जीन फंक्शन के लिए उसके पास वेरिएबल इंफॉर्मेशन. तो इतना तो पता था कि क्रोमोसोम के अंदर एक कॉइल्ड टाइप का इस तरह से स्ट्रक्चर है, zigzag टाइप का इस तरह की कॉइलिंग वाला स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम के अंदर, बट इट इज नॉट क्लियर कि इसी क्रोमोसोम के अंदर जो है
ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो ये आपको दिख रहा है इसी क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट है, ये क्लियर नहीं था। ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है वो इसी क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट है, वो क्लियर नहीं था। ये तो पता था कि बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग कंसेप्ट है, पर देख लीजिए आप खुद से यहां से समझिए कि क्लासिकल जेनेटिक्स की कंसेप्ट कहती है कि जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम, और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की जो कंसेप्ट है वो कहती है कि जीन्स आर द फ्यू बेसिस ऑफ द डीएनए, यानी ऑल द सेम। अगर हम क्रोमोसोम को क्रैक करते हैं तो अंदर क्या निकलता है, अंदर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में निकलता है। इसका मतलब ये जो क्लासिकल जेनेटिक्स की कंसेप्ट है जो ये कहती है कि जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम, और जो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की कंसेप्ट है जो ये कहती है कि जीन्स आर फ्यू बेसिस ऑफ डीएनए, ये दोनों ही एक तरह से सही है। जेनेटिक मटेरियल का जो कंफ्लिक्ट चल रहा था वो क्या था कि ये प्रोटीन हो सकता है, ये डीएनए हो सकता है, या आरएनए हो सकता है। पर इसको इस एक्सपेरिमेंट के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए इन सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। पहला ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट, दूसरा एवरी का एक्सपेरिमेंट, तीसरा हर्शे एंड चेस का बैक्टीरियोफेज का एक्सपेरिमेंट, और फोर्थ टोबैको मोजाइक का एक्सपेरिमेंट, जिसको कि मैं बारी बारी से अभी आपको बताऊंगी। पहला एक्सपेरिमेंट जो किया वो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने कहा, और इसको बड़ा फेमस कहा जाता है। इसका नाम ही है, ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ इसका नाम है सीधे सीधे ये फ्रेडरिक ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट इसको कहा गया। ट्रांसफॉर्मेशन की एक्चुअल मीनिंग आप देखते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन की एक्चुअल मीनिंग है रूपांतरण, किसी चीज का किसी दूसरे फॉर्म में जो परिवर्तन हो जाता है उसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन की एक्चुअल डेफिनेशन देखें तो वो रूपांतरण है। तो ये देखा गया कि बैक्टीरिया जो है उसके दो प्रकार पाए जाए थे, देयर वेर टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, वन इज विरुलेंट एंड अदर इज विरुलेंट। अब आपके सामने क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज दिस विरुलेंट और अविरुलेंट। विरुलेंट मतलब एबिलिटी टू कॉज डिजीज एंड प्रोड्यूस सिम्टम्स इन एनी पैथोजन। हम जानते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल में जो इंफेक्शन होता है वो या तो बैक्टीरिया से होता है या वायरस से या तो होता है या प्रोटोजोआ या फंगस से होता है, पर वह जो चीज जो उनको अटैक के लायक और सिम्टम्स प्रोड्यूस करने के लायक बनाती है, जो उनको एग्रेसिव बनाती है, डेडली बनाती है, उस चीज को पैथोलॉजी में विरुलेंसी कहते हैं। तो बैक्टीरिया तो सब होते हैं, पर दोज हु आर हैविंग द बैक्टीरिया which is having the capacity to produce symptoms and make a person sick is known as a virulent bacteria, and the bacteria which does not have capacity to produce symptoms and develop a disease is known as a virulent bacteria. तो ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया कि जब हम विरुलेंट बैक्टीरिया से माउस को इन्फेक्ट कराते हैं तो माउस को बीमारी होती है और वो माउस जो है डेड हो जाता है। यहाँ आपको देखिए क्या लिखा हुआ है, डेड हो गया। पर जब हम ए विरुलेंट बैक्टीरिया से इन्फेक्ट कराते हैं, बैक्टीरिया तो अंदर माउस के जाता है पर उसमें इतनी ताकत नहीं होती, उसके पास इतने वेपन नहीं होते, उसके पास इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है एग्रेसिवनेस नहीं होती कि वो चूहे को मार सके। आगे देखिए क्या होता है, अगर हम दोनों तरह के बैक्टीरिया को जिसको कि हमने विरुलेंट और नॉन विरुलेंट कहा है या ए विरुलेंट कहा है उसको हम कैटेगराइज करें तो आर जो है जो कि ए विरुलेंट है, आर बैक्टीरिया एक्चुअली ए विरुलेंट या नॉन विरुलेंट है, ये हार्मलेस है। इट मतलब इसको अगर ये माउस को इन्फेक्ट करेगा तो उसको कुछ नहीं होगा। और जो इसको कैटेगराइज किया किस बेसिस पे, वो जो कॉलोनीज प्रोड्यूस करता है। हम जानते हैं कि बैक्टीरिया हो या फंगस हो हम उसकी कॉलोनी बनाते हैं, कॉलोनी प्रोड्यूस करते हैं, वो अपने जैसे थाउजेंड्स ऑफ कॉपी मल्टीप्लाई करके कॉलोनी प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर जो एविरुलेंट बैक्टीरिया था उसकी कॉलोनी जो थी उसको आर से कैटेगराइज किया गया, आर स्टैंड फॉर रफ, और जो विरुलेंट था उसकी कॉलोनी थोड़ी स्मूथ चिकनी टाइप की थी तो उसको स्मूथ से कैटेगराइज किया गया। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि दोनों में एक और कैरेक्टर था कि जो ए विरुलेंट बैक्टीरिया था उसमें कैप्सूल जो यहाँ लिखा हुआ है कैप्सूल नहीं था, पर विरुलेंट बैक्टीरिया में कैप्सूल जो है यहाँ देखिए लिखा हुआ है प्रेजेंट था। पर ये जो कैप्सूल था ये इसका फंक्शन क्या था, ये बैक्टीरिया को होस्ट के इम्यून सिस्टम से बचाता है। जैसे हमने अभी लास्ट चैप्टर जो आपको पढ़ाया था उसमें मल्टीपल एलील्स के बारे में आपको बताया था, मल्टीपल एलील्स में हमने व्हाइट ब्लड सेल और एंटीजन एंटीबॉडी के बारे बताया था। तो एंटीबॉडी जो है वो कहां से निकलता है, वो इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है। तो ये जो कैप्सूल है, बैक्टीरिया अटैक किया किसी होस्ट के पास गया तो बैक्टीरिया अपना कैप्सूल लेके गया,
कैप्सूल एक तरह से बैक्टीरिया का, जिसको कहते हैं कवच है, वो इसको होस्ट के इम्यून सिस्टम से बचाता है। अब जो एवरुलेंट बैक्टीरिया, उसका इफेक्ट क्या होगा होस्ट पे? होस्ट जो है वो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जो विरुलेंट बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, वो होस्ट को मार देगा, इट किल्स द होस्ट। तो ये दोनों में फर्क होता है। तो एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, देखिए चार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। पहले में उन्होंने क्या किया, ये देखिए एक्सपेरिमेंट में, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में वो क्या करते हैं, लिविंग एस सेल बैक्टीरिया से माउस को इन्फेक्ट कराते हैं, लिविंग एस स्ट्रेन से। तो क्या होता है, देखिए माउस को निमोनिया होता है और माउस की डेथ हो जाती है, और फिर उसका कैराकेसिस जो डेड पार्ट होता है उसमें लिविंग एस स्ट्रेन जो है बैक्टीरिया का पाया जाता है। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया। सेकंड वो क्या करते हैं, सेकंड वो क्या करते हैं कि वो लिविंग आर स्ट्रेन से माउस को इन्फेक्ट कराते हैं। तो माउस को कुछ नहीं होता है, देखिए हेयर इट लुक्स हेल्दी, उसमें कोई डिजीज नहीं होती है, और फिर उसके बाद उसके हार्ट में भी किसी भी तरह का बैक्टीरिया पाया नहीं जाता है। तो ये दो एक्सपेरिमेंट वो कर लेते हैं। उसके बाद आप जानते हैं कि आप मिल्क को बॉयल करते हैं जस्ट टू पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन इज अ प्रोसेस विच मेक्स एनीथिंग फ्री फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि हीट से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं। तो थर्ड एक्सपेरिमेंट में वो क्या करते हैं, वो हीट से किल करके एस सेल को प्रोड्यूस करके हीट से किल करते हैं, और फिर उसके बाद उससे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराते हैं। तो चूंकि वो हीट से एस स्ट्रेन को किल कर चुके होते हैं, तो कोई भी बैक्टीरिया, ये जो माउस है इसको कोई बीमारी भी नहीं होती, और इसके हार्ट में किसी भी तरह का बैक्टीरिया भी नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि हमने हीट से बैक्टीरिया के, जो कि विरुलेंट था, द वन विच इज एबल टू कॉज डिजीज, जो कि बीमारी उत्पन्न करने में सक्षम था, हमने उसको हीट से किल कर दिया। थर्ड में क्या होता है, हीट किल्ड जो है, यानी इससे दो चीज प्रूव होती है ये तीनों एक्सपेरिमेंट से। एक तो आर जो है वो उसका वो हार्मलेस है, एस जो है हार्मफुल है, पर अगर एस को हम हीट से ट्रीट कर देते हैं तो वो भी हार्मलेस हो जाता है। अब वो फोर्थ एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, वो हार्मलेस बैक्टीरिया जो कि लिविंग है उसको मिक्स कर देते हैं डेड एस स्ट्रेन से, जो हीट एस किल किए थे, हीट से किल किए हुए बैक्टीरिया को उसको लिविंग हार्मलेस बैक्टीरिया से किल कर देते हैं। पर देखिए तब क्या होता है, उसके बाद भी माउस से बीमारी मिल जाती है, हो जाती है, और उसकी डेथ हो जाती है, और उसके बाद यहाँ पे उसके हार्ट में लिविंग एस सेल पाया जाता है। ये कैसे हुआ, यानी कि हमने तो हीट से किल कर दिया था, जो बीमारी उत्पन्न करने में सक्षम बैक्टीरिया था उसको तो हमने हीट से किल कर दिया, प्लस हमने उसके साथ क्या डाला, एक हार्मलेस बैक्टीरिया भी डाल दिया। उसके बाद भी जो है यहां पर माउस की डेथ हो गई और लिविंग एस स्ट्रेन मिला, मतलब लिविंग तो आर मिलना चाहिए था, पर लिविंग हमको क्या मिला, इन्फेक्शन के बाद, माउस की डेथ के बाद लिविंग एस मिला, लिविंग आर लिविंग एस में बदल गया। Something has happened which converted the harmless bacteria into harmful bacteria. यहीं पे बिग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट है वो खत्म हो जाता है। इसके बाद वो कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाते हैं, उनको बस पता है कि समथिंग इज ऑकरिंग दैट चेंजेस द बैक्टीरिया, कुछ हो रहा है जो बैक्टीरिया को बदल दे रहा है। वो पूरी तरह से उस प्रोसेस को अंडरस्टैंड, मतलब समझ नहीं पाए, बट उन्होंने उस प्रोसेस को, चूंकि ये बदलने का प्रोसेस था, तो उन्होंने सिंपली उसको रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन कह दिया। इतने में ही ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट है वो खत्म हो जाता है। अब इस सीरीज में जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हुआ वो एवरी मैकलियोड और मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट हुआ, जो कि उन्होंने 1944 में किया, और उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ग्रिफिथ का जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल था वो डीएनए था। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सेल्स का जो एस सेल्स था, जो कि डिजीज कॉजिंग एस सेल था, उसके जो इंटरनल कंटेंट थे उसको तीन पार्ट में ट्रांसफर किया, लिपिड प्रोटीन पॉलीसेक्राइड न्यूक्लिक एसिड, और उन्होंने एक एक फ्रैक्शन से टेस्ट किया कि कौन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है आर सेल के एस सेल में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। लिपिड रिस्पॉन्सिबल है जो आर को एस में कर दे, या प्रोटीन कर दे, या पॉलीसेक्राइड कर दे, या न्यूक्लिक एसिड कर दे, और अंत में वो कंक्लूड कर पाए कि ओनली द न्यूक्लिक एसिड, यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड जिसको कहते हैं वही ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये उन्होंने कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया। कैसे, वो एक
एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जेनेटिक मटेरियल जिसको वो कहते हैं वो क्या है, जो जिसको उन्होंने जेनेटिक मटेरियल का टर्म यूज किया कि विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, वो एक्चुअली है क्या? वो डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है? उन्होंने क्या किया कि हीट किल्ड जो एस सेल्स हैं उनमें उनसे लिपिड्स और शुगर को रिमूव कर दिया, और हीट किल्ड एस सेल्स में क्या क्या रहने दिया? प्रोटीन, आरएनए और डीएनए को रहने दिया। उसके बाद उन्होंने उसको टेस्ट ट्यूब में तीनों को बराबर बराबर भाग में बांट के टेस्ट ट्यूब में बांट दिया। टेस्ट ट्यूब में अब एंजाइम्स का उन्होंने यूज किया, जैसे हमने आपको बताया था कि जिस जो एंजाइम जिस सबस्ट्रेट पे काम करता है उसके नोमेनक्लेचर में उसके आगे ASE लग जाता है। जैसे प्रोटीनेज प्रोटीन पे काम करेगा, आरएनएज आरएनए पे काम करेगा और डीएनएज डीएनए पे काम करेगा। तो यानी अब ये डाइजेशन शुरू करने वाले हैं, और उन्होंने तीनों टेस्ट ट्यूब में अलग अलग चीज डाली। एक में उन्होंने डाला प्रोटीनेज, दूसरे में देखिए उन्होंने क्या डाल दिया है, आरएनएज डाल दिया है, तीसरे में उन्होंने क्या डाल दिया है, डीएनएज डाल दिया। तो जिसमें हम प्रोटीनेज डाल देंगे उसमें प्रोटीन नहीं मिलेगा, जिसमें हम आरएनएज डाल देंगे उसमें आरएनए नहीं मिलेगा, और जिसमें हम डीएनएज डाल देंगे उसमें डीएनए नहीं मिलेगा। अब उसके बाद ये तो हीट किल्ड एस सेल के साथ उन्होंने क्या किया था, उसके बाद उसको वो फ्लैट बॉटम फ्लास्क में डालते हैं और उसमें आर सेल डाल देते हैं। देखते हैं कि हीट किल्ड आर सेल जो है, सॉरी हीट किल्ड एस सेल जो है जो हमने उसमें डाली हुई है और उसके बाद उन्होंने आर सेल डालते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो वो क्या देखते हैं कि जिसमें उन्होंने प्रोटीनेज डाला था उसमें एस सेल अपीयर हो गई, जिसमें उन्होंने आरएनएज डाला था उसमें भी एस सेल वापस आ गई, पर जिसमें उन्होंने डीएनएज डाला था उसमें एस सेल जो है वो वापस नहीं आई। यानी डीएनएज को जब वो किल कर रही, डीएनए को जब जो किल कर दे रहा है, जिस टेस्ट ट्यूब में डीएनए की किलिंग हो जा रही है उस टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। बाकी जिसमें भी आप चाहे आरएनएस डाल दें चाहे प्रोटीनेस डाल दें, उसमें डीएनए लाइव है, एस सेल का डीएनए लाइव है, तो इसका मतलब वो एस सेल अपीयर हो जाएगा। यहां भी डीएनए लाइव है तो एस सेल अपीयर हो गया, पर जहां पर डीएनए मर गया वहां एस सेल नहीं अपीयर हुआ। तो इससे इनको पता चला चल गया कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो डीएनए है। तो देखिए किस कंकरेंट एविडेंस, और ये लगातार एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस है, कि पहला एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ का 1928 में हुआ जिसमें ये बताया कि बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और फिर उसके बाद एवरी बैकलियॉड एंड मैकार्टी ने 1944 में ये बता दिया कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डीएनए की जरूरत है। पर एक्चुअल एक्सपेरिमेंट जो है वो कौन सा था जिसने प्रूव किया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, वो 1953 में हर्शे एंड चेज ने प्रूव किया। वो ये एक्सपेरिमेंट है जिसको कि मैं अभी डिस्क्राइब करने वाली हूं। उनका जो एक्सपेरिमेंट था हर्शे एंड चेज का, वो किस पे था? वो बैक्टीरियोफेज पे था। अब ये बैक्टीरियोफेज क्या बला है? बैक्टीरियोफेज नाम तो है बैक्टीरियोफेज, पर एक्चुअली ये एक वायरस है, और ये वायरस क्या करता है, ये बैक्टीरिया पे अटैक करता है, बैक्टीरिया के अंदर घुस जाता है और वहीं पे अपना डीएनए छोड़ के थाउजेंड्स ऑफ कॉपी में वो मल्टीप्लाई करता है, जिसके अंदर घुसता है उसी की मॉलिकुलर मशीनरी को इस्तेमाल करता है। ठीक यही काम 2020 और 21 में COVID-19 वायरस के अल्फा बीटा डेल्टा गामा ओमिक्रॉन B11 स्ट्रेन करते थे। वो वायरस अपना आरएनए आपके शरीर में छोड़ता था और वो आपकी ही मॉलिक्यूलर मशीनरी को यूज करके थाउजेंड्स ऑफ आरएनए की कॉपी बनाता था जो RT-PCR काउंट में आता था। तो ठीक यही काम ये बैक्टीरिया करता है। यानी बैक्टीरिया की अपनी लाइफ साइकिल कभी कंप्लीट नहीं हो सकती बैक्टीरियोफेज की, जब तक कि वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट ना करे। बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखता है, उसके पास एक पेंटागोनल या हेक्सागोनल एक हेड होता है, उसके बाद उसमें एक बॉडी की कोर होती है, शीथ होती है, और इस तरह से टेल और फाइबर होता है। पर बैक्टीरियोफेज पूरा का पूरा डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना। अब देखिए इस स्लाइड में बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल बनी, और यह जो बैक्टीरियोफेज है जिसका नाम टिक2फेज है, ये विरुलेंट है। विरुलेंट का मतलब इट इज एबल टू कॉज डिजीज एंड प्रोड्यूस सिम्टम। ये क्या कर रहा है?
ये देखिए यहाँ पे ये बैक्टीरियोफेज जो है वो चला आया, बैक्टीरियोफेज यानी कि वायरस विच अटैक्स बैक्टीरिया। और ये जो इस तरह से आपको एक साबुन के शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। और ये जो इस तरह से लंबा सा नीडल टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है। और ये सुई नुमा जो है इसकी टेल है, जिसके जिसके माध्यम से वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया। और अब देखिए इस बैक्टीरिया के अंदर क्या है, ये इस बैक्टीरिया के अंदर एक सर्कुलर डीएनए है, या आप कह सकते हैं क्रोमोजोम, क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर ही डीएनए। अब ये क्या किया, ये फेज आया और अपना डीएनए अंदर छोड़ दिया। बैक्टीरियल क्रोमोसोम को फेज का एंजाइम जो है देखिए यहां पे तोड़ना शुरू किया, जो कि डॉटेड लाइन से दिख रहा है। और यहां पे फेज का माने बैक्टीरियोफेज यानी वायरस का जो है डीएनए है, और उसके बाद ये इधर बैक्टीरिया का डीएनए पूरी तरह से टूटता है। और उसी तरह जैसे ही पूरी तरह टूटता है, उसी को यूटिलाइज करके फेज क्रोमोसोम बहुत ढेर सारे यानी डीएनए जो है मल्टीप्लाई कर जाते हैं। और फिर उसके बाद देखिए ये मल्टीप्लाई किए और ये यही बैक्टीरिया की ही मॉलिकुलर मशीनरी को यूज करके नए नए बैक्टीरियोफेज बनाने लगे। फेज शीट भी बन गई, बेस प्लेट भी बन गई, टेल फाइबर भी बन गया। और उसके बाद पूरा का पूरा देखिए अगले सेल में क्या हुआ, बैक्टीरियोफेज पूरा ढेर सारा बन गया। और फिर उसके बाद ये बैक्टीरिया की सेल को तोड़ा और सिक्स्थ में देखिए ये कैसे रिलीज हो गया। तो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ विरुलेंट टीटोफेज। पर इसी लाइफ साइकिल का इस्तेमाल करके जो हर्शी एंड चेज ने थे, उन्होंने निकाल लिया कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। जब भी कोई एक्सपेरिमेंट हम करते हैं तो हम उसमें रेडियो एक्टिविटी का इस्तेमाल करते हैं। रेडियो एक्टिविटी क्या करती है, ये जिस भी एलिमेंट्स को होता है उसको वो रेडियो एक्टिव जो उसका आइसोटोप होता है वो उससे थोड़ा हैवी होता है। तो जैसे मिक्सर में जो हल्की चीज होती है वो ऊपर चली आती है और जो भारी चीज होती है वो नीचे रहती है, ठीक उसी तरह फंक्शन ये सेंट्रीफ्यूज मशीन का होता है। ये सेंट्रीफ्यूज मशीन 1000 की मतलब 10,000 20,000 50,000 रोटेशंस पर मिनट की तरह बिल्कुल जैसे आपकी मिक्सी गोल गोल घूमती है, वैसे ये गोल गोल घूमती है और लाइटर चीज ऊपर चली जाती है और हैवियर चीज यानी भारी चीज नीचे रह जाती है। तो ये सेंट्रीफ्यूज मशीन का इन्होंने यूज किया और रेडियो एक्टिविटी का यूज किया। रेडियो एक्टिविटी मतलब हैवी, उसी इसका आइसोटोप्स का उन्होंने यूज किया। पहले उन्होंने क्या किया कि प्रोटीन कोट को रेडियो एक्टिविटी से लेबल कर दिया और फिर उसके बाद बैक्टीरियोफेज में जो प्रोटीन उस दो ही चीज है, उसमें प्रोटीन कोट है और उसके बाद उसका जो अंदर डीएनए मौजूद है, तो उन्होंने उसके प्रोटीन कोट को रेडियो एक्टिविटी से लेबल किया और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने दिया। वो क्या देखते हैं कि कोई भी रेडियो एक्टिविटी जो है सेल के अंदर इंटर नहीं की, तो प्रोटीन सेल के अंदर इसका मतलब इंटर नहीं किया, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी कहां मौजूद थी, वो सल्फर में मौजूद थी जो कि सल्फर प्रोटीन में प्रेजेंट है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो बैक्टीरियोफेज है उसको रेडियो एक्टिव सल्फर के प्रेजेंस में ग्रो किया और सेंट्रीफ्यूज किया। तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद वो क्या देखते हैं कि रेडियो एक्टिविटी जो है वो सुपरनेटेंट यानी कि वो लाइटर साइड में यानी बाहरी की तरफ रह गई है, अंदर नहीं गई है, यानी कि प्रोटीन इंटर ही नहीं किया। जो जेनेटिक मटेरियल अगली जनरेशन का बैक्टीरियोफेज का बना उसमें प्रोटीन इंटर ही नहीं किया। दूसरे एक्सपेरिमेंट में वो क्या करते हैं, तो इससे इस पहले एक्सपेरिमेंट से ये पता चल गया कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं। दूसरे एक्सपेरिमेंट में वो क्या कहते हैं, वो फेज का जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है उसको लेवल कर देते हैं। तो डीएनए में क्या है, डीएनए में फॉस्फोरस है, तो उसको फॉस्फोरस को उन्होंने लेबल कर दिया, फिर बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया। तो क्या देखते हैं कि अब की बार जो है रेडियो एक्टिविटी सेल के अंदर इंटर की, यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन विच वॉज प्रेजेंट इन द बैक्टीरियोफेज इज ट्रांसफर्ड एंड इट इंटर्स इनटू द बैक्टीरियल सेल। तो यही तो उनको प्रूफ करना है कि कौन सी चीज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रही है, क्योंकि यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरियोफेज बनेंगे, तो थाउजेंड ऑफ बैक्टीरियोफेज जब जो वो बनेंगे वो हैवी फॉस्फोरस वाले डीएनए के बनेंगे। तो हैवी फॉस्फोरस वाले डीएनए के बनेंगे तो हैवी फॉस्फोरस डीएनए का क्या हो जाएगा, जब सेंट्रीफ्यूज मशीन से वो क्लियर हो जाएगा। तो जब उन्होंने फेज को ग्रोन किया, तो फेज को ग्रो किया, तो उन्होंने क्या किया कि देखिए सेंट्रीफ्यूज यहाँ पे रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है और इसमें क्या था, रेडियो एक्टिव सल्फर है। अब दोनों का कंट्रास्ट देख लीजिए, यहाँ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है, यहाँ रेडियो एक्टिव सल्फर है। फॉस्फोरस प्रेजेंट है डीएनए में, सल्फर प्रेजेंट है प्रोटीन में, दोनों को सेंट्रीफ्यूज मशीन में वो चला देते हैं। तो वो क्या देखते हैं कि जिसमें प्रोटीन वाला है जो सल्फर है वो लाइटर साइड में आके प्रेसिपिटेट करता है, पर जो
जिसमें कि रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है वो नीचे टेस्ट ट्यूब में आके प्रेसिपिटेट करता है, यानी जो फॉस्फोरस है वो हैवियर है तो इसलिए वो नीचे प्रेसिपिटेट किया, और जो सल्फर है वो लाइटर है इसलिए वो सेंट्रीफ्यूज में ऊपर चला गया, यानी रेडियो एक्टिविटी विच इंटर्स इनटू द सेल इज ओनली फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस किसमें है? तो डीएनए। तो या तो हम ये कह सकते हैं कि फॉस्फोरस इज इंटर्ड इनटू द बैक्टीरिया एंड इट इज ट्रांसफर्ड टू अनदर जनरेशन, सो दैट व्हेन वी ग्रो फेज विथ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वी आर एबल टू रिसीव रेडियो एक्टिविटी इन द पैलेट। या तो हम ये कह दें फॉस्फोरस है किसमें? फॉस्फोरस तो डीएनए में प्रेजेंट है। तो इस एक्सपेरिमेंट से पूरी तरह प्रूफ हो जाता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। यहाँ पे देखिए सीधे सीधे लिखा हुआ है ये बैक्टीरियोफेज है, तो बैक्टीरियोफेज में सल्फर लेबल कर दिया तो प्रोटीन कैप्सूल लेबल हो गया, फॉस्फोरस को लेबल कर दिया तो डीएनए का कोर लेबल हो गया, इन्फेक्शन किया, ब्लेंडिंग किया, सेंट्रीफ्यूजेशन किया, यहाँ भी इन्फेक्शन किया, ब्लेंडिंग किया, सेंट्रीफ्यूजेशन किया। जब यहाँ पे सेंट्रीफ्यूजेशन हुआ तो सल्फर सेल में डिटेक्ट नहीं हुआ, सल्फर सुपरनेटेंट यानी कि लाइटर साइट में डिटेक्ट हुआ। पर जब यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज किया तो सुपरनेटेंट नहीं, फास्फोरस इज डिटेक्टेड इनसाइड द सेल, क्योंकि यही तो इंटर किया, यही जेनेटिक इंफॉर्मेशन के कैरियर है, यही नया बैक्टीरियोफेज बनाएगा। तो सुपरनेटेंट में फास्फोरस ना डिटेक्ट होके वो सेल में डिटेक्ट हुआ, और इसीलिए सेंट्रीफ्यूज करने के बाद वो नीचे के साइट में प्रेसिपिटेट किया। तो इस तरह से हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाता है। अब आता है अगला एक्सपेरिमेंट कि आरएनए सर्टेन वायरसेस में, जैसा कि आपने कोविड-19 में देखा था, वहां वायरस के सिर्फ आरएनए की बात हो रही थी और आरएनए के ही वायरस को लोग कहते, आरएनए के ही जो वायरस का जो आरएनए था उसी को लोग बता रहे थे कि नया वेरिएंट आ गया है, इसके इसके जीनोम सिक्वेंसिंग चल रही है, अब ये B.1.1 हो गया, अब ये ओमिक्रॉन हो गया, अब ये डेल्टा हो गया। तो वो आरएनए की जो बात हो रही थी, इसका मतलब कि कुछ वायरसेस में जैसे कि टोबैको मोजाइक वायरस जो कि प्लांट में टीएमवी डिजीज कॉज करता है, उसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। ये एक्सपेरिमेंट जो है कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, फ्रैंकल कॉनराड एंड बी सिंगर ने ये कंफर्म किया था। कैसे किया था उन्होंने? उन्होंने देखा था कि जो डिजीज होती थी टोबैको मोजाइक वायरस की, वो दो तरह के उसके सिम्टम्स थे, दो तरह के सिम्टम्स थे, एक सिम्टम्स जो है टाइप ए टाइप का था और दूसरा सिम्टम जो है टाइप बी टाइप का था, जैसे आप ओमिक्रॉन और डेल्टा देखते हैं, तो उसी तरह एक टाइप ए टीएमवी डिजीज थी और टाइप बी टीएमवी डिजीज थी। उन लोगों ने क्या किया कि दोनों के वायरस को, जो टीएमवी डिजीज का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म था उसको उन्होंने डिग्रेड कर दिया, दोनों जो टीएमवी था उसको उन्होंने तोड़ डाला, छिन्न भिन्न कर दिया। छिन्न भिन्न करने पे क्या हुआ कि आरएनए अलग हो गया और प्रोटीन अलग हो गया, दो ही कंटेंट होते हैं, जैसा आपने भी बैक्टीरियोफेज में देखा, उसमें प्रोटीन और डीएनए था, इसमें प्रोटीन और आरएनए है। तो जब इन्होंने टाइप ए को छिन्न भिन्न किया, उसका प्रोटीन आरएनए अलग किया, टाइप बी को छिन्न भिन्न किया और उसका भी प्रोटीन और आरएनए को अलग कर दिया। अब उसके बाद इन्होंने हाइब्रिड टाइप का एक आरएनए वो बनाया, टीएमवी वायरस। कैसे? एक में वो टाइप ए का आरएनए लेते हैं और टाइप बी का प्रोटीन लेते हैं, दूसरे में वो इसका उल्टा करते हैं, टाइप बी का आरएनए लेते हैं और टाइप ए का प्रोटीन लेते हैं, और उसके बाद फिर वो इन्फेक्शन कराते हैं और देखते हैं कि किसकी तरह सिम्टम आया। तो वो क्या देखते हैं कि एक हाइब्रिड टीएमवी इधर भी बना और एक हाइब्रिड टीएमवी इधर भी बना, तो उनको ये देखना है कि सिम्टम किस टाइप का है। तो सीधी सीधी बात थी, जिसका आरएनए होता है उसी की तरह सिम्टम आता है। तो ये कैसे प्रूफ हुआ? जब इन्होंने हाइब्रिड टोबैको मोजाइक वायरस बनाया और उसके बाद टोबैको की लीफ को इन्फेक्शन करने के लिए छोड़ दिया गया, तो इन्फेक्शन करने के लिए जब छोड़ दिया गया तो जिसका आरएनए था उस टाइप का इन्फेक्शन हुआ। तो द टाइप ऑफ द आरएनए इन द हाइब्रिड पेरेंट डिटरमाइंस द आरएनए एंड प्रोटीन ऑफ द प्रोजेनी वायरस, जो अगली जनरेशन प्रोड्यूस हुई। जैसा कि आपको पता है कि आरएनए जितने वायरसेस हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एंटिटी है, वो नॉन लिविंग है पर जब उनको कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एज ए होस्ट मिलता है तो वो उसको अटैक करते हैं, उसी की मॉलिक्यूलर मशीनरी, उसके डीएनए को या आरएनए को यूज करके वो अपने जैसे 1000 कॉपी